आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। 5 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में कोर्ट में पेश, बड़े मामले पर भदोही पुलिस का शिकंजा। गोपीगंज नगर समेत कई प्रांतों में फर्जी बैंक बनाकर लोगों से धोखाधड़ी करने के 2 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। विवेचना अधिकारी ने दिल्ली पुलिस की अभिरक्षा में रिमांड पर लेकर बृहस्पतिवार को सीजेएम कोर्ट में इन आरोपियों को पेश किया। वर्ष 2022 में माधोरामपुर गांव निवासी शिवदत्त पाठक ने 156(3) के तहत न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि टीएमटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की शाखा गोपीगंज में चल रही थी। शाखा में उसके अलावा सैकड़ों लोगों ने एजेंट के माध्यम से करीब 5 करोड़ रुपए जमा किए थे। उक्त मामले में धोखाधड़ी करते हुए कंपनी संचालक सहित अन्य लोग पैसा लेकर फरार हो गए। न्यायालय के आदेश पर राम के शर्मा निवासी सीमांत नगर कंचना बिहारी मार्ग कल्याणपुर चिन्हट लखनऊ, अरुण कुमार शर्मा, शकुंतला शर्मा, अनिल कुमार शर्मा, अनूप कुमार शर्मा, अजय कुमार शर्मा, अरविंद कुमार पांडे निवासी सी ब्लॉक फेज एनक्लेव फैजाबाद रोड चिन्हट लखनऊ और शशि पांडे के खिलाफ गोपीगंज थाने में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। प्रकरण में अधिकतर आरोपी दिल्ली जेल में बंद हैं। बृहस्पतिवार को चौकी प्रभारी मनोज राय ने दिल्ली जेल से 2 आरोपियों रामकेश शर्मा, अरुण कुमार शर्मा को रिमांड पर लेकर न्यायालय में पेश किया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।